हाँ जी, क्या हाल चाल? तो लास्ट वीकेंड में गया था अपनी मानसून के पहली राइड पे और इतनी बारिश हुई कि हिमालयन के जॉयस्टिक ने काम करना बंद कर दिया। हिमालयन में एक नई समस्या आ गई है, इसका ये जॉयस्टिक है उसका डाउन वाला जो की है वो काम नहीं कर रहा। ये वीडियो उसी के बारे में है कि यीशु को मैंने कैसे रिजॉल्व किया, हालांकि पहली बार में मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो हॉट एयर और कॉन्टैक्ट क्लीनर से बात नहीं बनी और मुझे इसे सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ा। बट सर्विस सेंटर वालों ने इशू फिक्स करने के बजाय और इशूज बढ़ा दिए, जो कि आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। सो अगर आप एक हिमालयन ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी इस बाइक के बारे में, क्योंकि ये इशू आपको भी फेस हो सकता है। और हर बार सर्विस सेंटर जाना एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो लोग हर बार घुमाते ही हैं। आप एक बार जाओगे बोलेंगे कल आओ, परसों आओ, पार्ट नहीं है, दुनियादारी चीज़ें। बट ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप बाइक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये छोटी मोटी इशूज आप घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाइक की हालत कुछ ऐसी है, कल के मानसून राइड के बाद पूरी तरह कीचड़ में सन चुकी है बाइक, और कल दिन भर बारिश होती रही। और एक टाइम फ्यूल रेंज चेक करने के लिए जब मैंने ये जॉयस्टिक यूज़ करना शुरू किया तो देख सकते हैं ये जॉयस्टिक काम नहीं कर रहे, सिर्फ राइट एंड लेफ्ट काम कर रहा है। देखिए कुछ भी रैंडम हो रहा है, कभी अप करो तो डाउन हो रहा है, डाउन करो तो अप हो रहा है। देखिए इंजन टेम्परेचर पे अटक चुका है ये। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ कल मुझे राइड के दौरान। तो इस वीडियो में करते हैं इसको डायग्नोस और देखते हैं फिक्स होता है या इसके लिए वारंटी क्लेम करनी पड़ेगी। तो उसको फिक्स करने के लिए हम इस यूनिट को ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कहीं पानी वानी तो नहीं गया है, और पानी को सुखा के हम एक कॉन्टैक्ट क्लीनर स्प्रे मारेंगे और देखेंगे इससे फिक्स हो जाता है क्या। ओके, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पीछे का बोल्ट जो है वो थोड़ा लंबा है और सामने वाला बोल्ट छोटा है, सो डोंट मिक्स देम अप। ओके, ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो अपडेट ये है, मैंने इसको पूरी तरह ओपन कर लिया है। नीचे वाला पार्ट तो बहुत इजीली निकल जाता है, बट ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा, ये देख सकते हैं ये नॉच है जो बेसिकली इस होल में फंसा हुआ होता है, तो निकालने में थोड़ा सा पावर लगता है। अदरवाइज ये भी काफ़ी इजीली निकल गया। कुछ भी फिजिकली देख के बता पाना तो मुश्किल है, बट लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा हेयर ड्रायर की मदद से इसको थोड़ा मॉइस्चर सुखाने की कोशिश करते हैं। मैं हेयर ड्रायर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कहीं हीट गन वगैरह ना यूज़ कर लें, हीट गन में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हीट होती है, सारे प्लास्टिक के पार्ट्स हैं सब पिघल जाएंगे। सो डू नॉट यूज़ अ हीट गन। ओके, तो मैंने अभी करीब 2-3 मिनट तक इसे हॉट एयर मारा, और हॉट एयर मारने के बाद अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। सो स्विच ऑन करते हैं बाइक को। ओके, एंड लेट्स ट्राई दिस जॉयस्टिक। ओके यस, काम करने लगा बट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, ऊपर करने से उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कॉन्टैक्ट क्लीनर इस पर स्प्रे करेंगे और देखेंगे इससे फिक्स होता है क्या। तो हॉट एयर और कॉन्टैक्ट क्लीनर से बात नहीं बनी, तो अभी इसको सर्विस सेंटर पर जाके वारंटी ही क्लेम करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज है सेकेंड डे ये जॉयस्टिक डायग्नोस करने का। रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पर गया, उनको दिखाया, उनको भी इशू समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने स्विच चेंज करके देखा तो थोड़ी देर के लिए चला, बट फिर उन्होंने बोला कि स्विच चेंज करना पड़ेगा और स्विच चेंज करने के लिए अप्रूवल लगेगा आरी की तरफ से। तो उन्होंने बेसिकली इसका वीडियो वगैरह बना के आरी को सेंड किया है और अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं पूरा टैंक ओपन किया हुआ है, क्योंकि इसका जो कनेक्टर है वो ये दोनों कनेक्टर है, और बेसिकली इसको एक्सेस करने के लिए ये पूरा टैंक उतारना पड़ता है। और आरी वालों ने टैंक उतारते टाइम जब टैंक की फिटिंग की तो इस पाइप को पिंच कर दिया था, और बेसिकली ये पाइप जिस कनेक्टर बॉक्स में यहाँ पे लगा हुआ होता है वहाँ से भी निकाल दिया था। तो अभी ऑफिस आने के बाद मुझे देखा कि ये पाइप पिंच हुआ है, तो उसको फिक्स करने के लिए मैं टैंक ओपन किया और फिर सोचा कि मैं अपनी तरफ से ये कॉन्टैक्ट्स पे कॉन्टैक्ट क्लीनर मार के देखता हूँ। तो जब मैंने उन दोनों कॉन्टैक्ट्स ओपन किया तो देखा काफ़ी ज़्यादा कोरोजन लगा हुआ था उसमें। सो आई थिंक दैट वाज द इशू जिसकी वजह से ये जॉयस्टिक काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ये कॉन्टैक्ट क्लीनर से उसको अच्छे तरह से क्लीन किया ब्रश की मदद से, और अभी लुक्स लाइक इट इज़ वर्किंग। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से काम करने लग गया। सो
सो बेसिकली इसमें दो प्रॉब्लम दिखा मुझे, एक तो ये कनेक्टर्स में कोरोजन लगा हुआ था और दूसरा ये जो बटन है ये इसमें टेक्टाइल फीडबैक नहीं आ रहा, तो हो सकता है इसके अंदर डस्ट चला गया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसमें भी मैंने कॉन्टैक्ट लेनर मारा तो देखिए काफ़ी सारा ये देख सकते हैं डिसकलरेशन, ये इसके अंदर से ही डस्ट निकला हुआ है। तो ये दो इश्यूज़ थे एंड लुक्स लाइक इट इज़ वर्किंग। सो आप देख सकते हो ये इशू मैंने खुद घर पे ही सॉल्व किया, आरी वाले सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको अपनी गाड़ी का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अच्छे से समय दे सकें, इशू को अच्छे से डायग्नोस कर सकें और उसका सॉल्यूशन खुद कर सकें जहाँ तक हो सके। अगर कोई पार्ट चेंज करना है तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। बट फिर भी आपको विजिलेंट होना पड़ेगा कि वो लोग कैसे असेंबल कर रहे हैं पार्ट्स को, अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो आई एम हैप्पी कि ये ओरिजिनल पार्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने नई चीज़ें सीखी होंगी इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप और सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वन। तो यह बोल सकते हैं प्रॉब्लम हो गई सॉल्व एंड आई एम हैप्पी।